दोस्तों, आज भैया दूज के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं भैया दूज के बारे में ही बात करूंगा। भैया दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाला हिंदू धर्म का एक पर्व है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह दीपावली के दो दिन बाद मनाए जाने वाला ऐसा पर्व है जिसमें भाई के प्रति बहन का स्नेह अभिव्यक्त होता है और बहनें भाई के खुशहाली की मंगल कामना करती है। यह रक्षाबंधन के बाद मनाए जाने वाला दूसरा त्यौहार है जिसमें भाई बहन के अगाध प्रेम का समर्पण होता है। भैया दूज दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इसमें विवाहित बहनें भाई बहन भाई को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती है और गोबर से भाई दूज परिवार का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करती है और अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराती है, उनके तिलक लगाती है, उपहार देती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। पौराणिक कथा है कि हर साल यमराज अपनी बहन जमुना के घर इसी दिन आते हैं और यमुना को उन्होंने आशीष दिया था कि जो भाई इस दिन यानी भैया दूज के दिन अपने बहन के घर आएगा, तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और उसे यम का भय भी कभी नहीं होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भैया दूज भाई बहन के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक है और यह दिन दोनों के लिए, भाई और बहन के लिए शुभ माना जाता है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर, पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।